नमस्कार प्यारे किसान साथियों, आप सभी लोगों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी। जैसा कि मैंने कई दिन पहले भी बताया था कि आप सभी लोगों को दीपावली का बोनस मिल रहा है, तो प्यारे किसान साथियों, आप लोग मुझे बार बार कमेंट कर रहे हो कि सर आप झूठ बता रहे हो, तो इसीलिए मैं लाइव प्रूफ दिखाने के लिए आ गया हूँ कि दीपावली का आप लोगों को भाई तोहफा मिल रहा है। जी हाँ प्यारे किसान साथियों, आप लोगों को दो हजार नहीं बल्कि चार हजार रुपए का बोनस आप लोगों को दीपावली का तोहफा। ये केवल आज नहीं मिलेगा, आज भी मिलेगा, कल भी मिलेगा, परसों भी मिलेगा, पूरा का पूरा भाई 5 तारीख तक मिलने वाला है। यानी कि 5 तारीख तक आपको दीपावली का तोहफा दिया जाएगा। मान लो 1 तारीख का दीपावली है तो 1 तारीख को भी मिलेगा, यानी कि आज से मिलना शुरू हो गया है। ठीक है, तो ये पैसा लगातार 5 तारीख तक मिलता रहेगा, यानी कि कई दिन तक इसका वितरण चलता रहेगा। लेकिन भर भर के कमेंट आ रहा है किसान साथियों का कि सर आप चूतिया बना रहे हो, 18वीं किस्त का पैसा नहीं आया, अभी 19वीं किस्त का आप पैसा बता रहे हो कि 19वीं किस्त का पैसा दिया जा रहा। तो मेरे भाई, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा दूं कि आप लोगों को 18वीं किस्त का पैसा अक्टूबर महीने में 5 अक्टूबर को दिया गया, यानी कि 5 अक्टूबर को दे दिया गया। उसके बाद ये नई किस्त का पैसा है जो आप लोगों को अब लगातार अगली 5 तारीख तक दिया जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि इसी महीने में भाई आप लोगों को 19वीं किस्त का पैसा दिया जा रहा, जिसे यानी कि दीपावली का तोहफा मान लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं स्टेटस आपको दिखा दूं पिछली किस्त का। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो है भाई प्रधानमंत्री, 18वीं इंस्टॉलमेंट यानी कि 18th इंस्टॉलमेंट जो है भाई पीएम किसान योजना की 5 अक्टूबर 2024 को जारी कर दिए थे। जिन्होंने अपना ई KYC करवा रखा था, भूमि का सत्यापन करवा रखा था, आधार शेडिंग का काम पूरा किया था, तो उनके बैंक खाते में ये पैसा पहुंच गया। लेकिन बहुत सारे किसान भाई कमेंट कर रहे हैं बार बार कि सर आप फर्जी बता रहे हो, पैसा नहीं आया, अभी हमें 17वीं किस्त का पैसा नहीं मिला, हमें 16वीं किस्त का पैसा नहीं मिला, 15वीं किस्त का पैसा रुका है। तो भाई सिर्फ हुआ सिर्फ एक दो कारण से आपका पैसा रुक जाता है। अभी तो देखिए, दीपावली में आपको बड़ा बोनस मिल रहा, 19वीं किस्त का 4000 रुपये मोदी सरकार दे रही है। तो प्यारे किसान साथियों, ये पैसा कैसे मिलेगा पूरी जानकारी बताएंगे, लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है वो भी बताएंगे। लेकिन हाँ, आप लोग ये क्लियर कर लीजिए कि आपको दीपावली का बोनस भाई मिलना शुरू हो गया। किसानों को थोड़ा थोड़ा करके पैसा, यानी कि 4000 रुपये करके थोड़े थोड़े किसानों को 1 करोड़ 2 करोड़ किसानों को जाना शुरू हो गया। इसी प्रकार अगले 2 से 4 दिन में सभी किसानों को जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने अपना बैंक खाता, देखिए कौन सा बैंक खाता, जो ग्रामीण बैंक खाता होता है उसमें खुलवाना पड़ेगा भाई। ठीक है, डाक विभाग वाला, तो उसमें आपका पैसा जाएगा और साथ ही साथ ई KYC करना है। ठीक है, चलिए मैं पूरी जानकारी देता हूँ आपको। पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर आ जाना है और यहीं से मैं आपको दिखा दूंगा लाइव कि आपका नाम है कि नहीं है। तो देखिए, जो किसान भाई ई KYC नहीं करे, तो ये ई KYC का ऑप्शन है जो मैं बार बार बताता हूँ कि भाई ई KYC आप घर बैठे कर सकते हो। इसी पर क्लिक करना है और इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, बहुत वीडियो मैंने बता रखा है कि भाई यहाँ पे आप लोगों को OTP बेस्ड ई KYC करना होता है। देखिए, यहाँ आधार नंबर दिया है, यहाँ आधार नंबर आप लोग अपना फिल करके सर्च बॉक्स पर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल में OTP आएगा, OTP को फिल करने का ऑप्शन आएगा, फिल करके ओके कर देना भाई, आपका ई KYC कंप्लीट हो जाएगा। इतना सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, जो ही आप लोगों का ई KYC कंप्लीट हो जाए, तो बहुत सारे किसान भाइयों को मैं बताता हूँ कि मोबाइल नंबर अपडेट कर दीजिए या फिर लिंक कर दीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या बन जाती है बहुत सारे किसान भाइयों को जिनका मोबाइल नंबर, मैं आपको बता दूँ कि उनके आधार कार्ड और बैंक खाते से लिंक नहीं होता है, तो उनको भी समस्या हो जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आपने जो रजिस्ट्रेशन करवाया है उसकी जांच सही से करनी होती है। जी हाँ प्यारे किसान साथियों, अगर आपने जो रजिस्ट्रेशन करवाए हैं उसकी सत्यता की जांच और भू सत्यापन, ठीक है, भू सत्यापन बहुत जरूरी है। ये सारे काम आप लोगों को करने, भाई एक काम नहीं करना है। साथ ही साथ प्यारे किसान साथियों, आप लोगों को बेनिफिशियरी लिस्ट भी देखनी है कि हमारा नाम है कि नहीं है। चलिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए, ये सारे ऑप्शन है। ठीक है, ये देखिए हमारा बेनिफिशियरी लिस्ट का ऑप्शन है, तो इसमें आप लोगों को नाम देखना है कि भाई हमारा किस्त में नाम है कि नहीं। जो 19वीं किस्त हमें
दीपावली का बोनस 4,000 रुपये दिया जा रहा, इसमें हमारा नाम है कि नहीं है, हमें पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई कमेंट कर रहे हैं, ज़्यादातर संख्या में किसान भाई कमेंट कर रहे हैं कि सर पैसा नहीं मिल रहा, झूठी अफवाह फैलाई जा रही। भाई पैसा जा रहा है यार, जिनका किस्त रुका है उनका भी पैसा जा रहा, हर महीने पैसा जा रहा है, ठीक है, हर दिन पैसा जा रहा। भाई एक दिन में इतना ज़्यादा थोड़ी पैसा चला जाता है जो मोदी जी ट्रांसफ़र करते हैं, भाई टाइम लगता है। देखिए बेनिफिशियरी लिस्ट में आपको क्लिक करना है, जो ही क्लिक करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा, और यहाँ देखिए आप लोगों को भाई यहाँ दिखाई देगा, तो मैं आपको बता दूँ कि बेनिफिशियरी लिस्ट दिखाई देगी, ठीक है। और ये जो डाटा है भाई, आज का डाटा 19 तारीख 10वां महीना 2024 का, यानी कि 19 अक्टूबर को ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, आप भले ही कितने दिन बाद देखें, क्योंकि ये वीडियो एक दिन के लिए नहीं है, कई दिनों के लिए है, क्योंकि कई दिनों तक पैसा मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग समझ जाइए कि आज मान लो 19 अक्टूबर ये बीत गया, तो भाई 20 अक्टूबर आएगा, उसके बाद 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, ठीक है, इसी प्रकार 1 नवंबर को दीपावली रहने वाली है, ठीक है, कहीं कहीं अलग अलग भाई डेट है, कहीं कोई कह रहा है कि 30 तारीख को दिवाली है, कोई कह रहा है कि 1 तारीख को है, ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन की बात है। लेकिन 5 नवंबर तक आप लोगों को ये पैसा मिलता रहेगा, ठीक है, 5 नवंबर तक आप लोग मान के चलिए, ठीक है, 5 नवंबर तक आप लोगों को दीपावली का तोहफा मिलता रहेगा। तो सबसे पहले प्यारे किसान साथियों आपको करना क्या है कि आप लोग देख लीजिए बेनिफिशियरी लिस्ट, यहाँ चेक करने के लिए सबसे पहले आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, यानी कि स्टेट मतलब राज्य, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, और सब डिस्ट्रिक्ट मतलब उप जिला, और ब्लॉक मतलब तहसील आपकी, विलेज मतलब गाँव सिलेक्ट करना है, ठीक है। चलिए सिलेक्ट करते हैं, तो देखिए प्यारे किसान साथियों हम स्टेट यानी कि अपना राज्य सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद अपना भाई डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, जो आपका जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, तहसील में आपकी जो तहसील लगती है वो सिलेक्ट कर लीजिए, और आपका गांव कौन सा है वो गांव सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इतना सिलेक्ट करने के बाद इधर साइड में राइट साइड में गेट रिपोर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इसी गेट रिपोर्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना। थोड़ा सा देखिए यहाँ प्रोसेसिंग हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा प्रोसेसिंग चलेगा, उसके बाद आपका पूरा का पूरा डाटा खुलकर आपके सामने आ जाएगा, यानी कि आपके गांव के किसानों का नाम आपके सामने यहाँ देखिए आ चुका है। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए सब कुछ सही से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ मेल फीमेल जितने भी किसान हैं देख लो भाई, फार्मर के नाम और जेंडर भाई कि यानी कि ये संख्या है किसानों की, और ये फार्मर नाम यानी किसानों के नाम है और जेंडर, जैसे कि फीमेल किसान हो गया, मेल किसान हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ आरती हेमंत यानी कि भाई आरती हेमंत जी हैं, और यहाँ देख लीजिए भाई किसान हैं दिलीप कुमार हैं, दिलीप राजेंद्र हैं, और इसी के साथ तमाम किसान यार देख लीजिए, महिला किसान भी हैं और पुरुष किसान भी हैं, ठीक है। भाई पूरे किसान की बात करें तो देखिए हमारे यहाँ बहुत कम किसान है, ठीक है, मतलब जिस राज्य की मैं खोला हूँ वहाँ बहुत कम किसान है। भाई मान लीजिए मैंने यहाँ खोला है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में यार किसानों की संख्या थोड़ा कम होती है, क्योंकि ये विकसित एरिया, यहाँ लोग ज़्यादातर बिजनेस करते हैं, खेती किसानी बहुत कम करते हैं। तो देखिए हमारे गांव में मात्र 27 किसान हैं, महिला और पुरुष किसान मिलाकर, कहीं कहीं भाई 1-1 हज़ार एक एक गांव में किसान रहते हैं, कहीं कहीं 2-2 हज़ार एक एक गांव में किसान रहते हैं, कहीं कहीं 500 किसान रहते हैं, कहीं कहीं 400 किसान रहते हैं, कहीं कहीं 200 किसान रहते हैं, कहीं कहीं किसी गाँव में 300 किसान रहते हैं, भाई गाँव के हिसाब से ज़्यादा किसान मिल जाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पूर्ण रूप से जानकारी दे दी है, अगर आपका नाम है तो आपको दीपावली का बोनस भाई 4,000 रुपये मोदी सरकार अगले 2 से 3 दिन में पहुंचा देंगे, आप लोग चिंता ना करें, ये कमेंट ना करें कि फर्जी है, ठीक है प्यारे किसान साथियों। तो आप लोग अपना बैंक खाता चेक करते रहें, आपको अगले 2 से 4 दिन में मिल जाएगा।